31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिन मनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा दलों की बाइक रैली केवड़िया पहुंच रही है। ऐसे में गुजरात पुलिस की ओर से सभी बाइक रैली का भव्य तौर पर स्वागत किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के चलते स्टैचू ऑफ यूनिटी पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिन मनाया जाएगा। इसके भागस्वरूप विभिन्न राज्यों में से सुरक्षा दल के जवानों की बाइक साइकिल रैलियां निकली है, जो 31 अक्टूबर को स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचेगी और राष्ट्रीय एकता दिन में शामिल होगी। ऐसे में ये सभी बाइक साइकिल रैली स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच रही है, जहां पर गुजरात पुलिस की ओर से उनका भव्य तौर पर स्वागत किया जा रहा है। वैसे इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजू भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह, पूर्व मंत्री शब्दशरण भाई तडवी, पूर्व सांसदीय सचिव समेत कई अग्रणी भी उपस्थित रहते हैं और सभी पदाधिकारी अधिकारियों की ओर से देशभक्ति के गाने बजाकर अनोखे माहौल में इन सभी बाइक साइकिल रैली पर आए हुए जवानों का स्वागत किया जाता है। हमारे बीच राज्य के मंत्री श्री शब्दशरण तडवी जी भी यहां पर 28 जिले कवर करके 2003 वंदे भारत माता खड़ा करके जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की। आगे बढ़ते हुए हम जोर से आगे, हम सभी हाथ ऊंचा करके जोर से एवं साइकिल रैली का आयोजन करने में आया था। जम्मू कश्मीर से, उड़ी से, त्रिपुरा से, संभूम से, लखपत गुजरात से और कन्याकुमारी से ये चार मोटरसाइकिल रैली जम्मू कश्मीर पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, गुजरात पुलिस एवं तमिलनाडु पुलिस द्वारा शुरू करने में आई थी और आज इसका समापन यहां केवड़िया में हुआ है। ये सभी मोटरसाइकिल सवार 31 तारीख को जो राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड यहां आयोजित होगी उसके अंदर ये लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही साथ भारत की जो केंद्रीय पुलिस दल हैं CRPF द्वारा नक्सल प्रभावित इलाका गढ़चिरौली महाराष्ट्र, CSF के द्वारा त्रिवेंद्रम केरला से, इसके अलावा BSF द्वारा राजस्थान बॉर्डर से, ITBP द्वारा लेह लद्दाख से और SSB द्वारा भूटान बॉर्डर से ये साइकिल रैली यहाँ चल के पहुँची है और इसका स्वागत नर्मदा पुलिस, गुजरात पुलिस और गुजरात राज्य सरकार के द्वारा करने में आया है। ये सभी साइकिल सवार भी 31 तारीख को इस राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का हिस्सा होंगे। ये सभी रैली और मोटरसाइकिल रैली भारत को जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। एक संदेश पूरे समग्र भारत को दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सभी जगहों पे, सभी राज्यों में, कई जिलों के अंदर इन सभी रैलियों का खूब स्वागत हुआ है। खूब सारे कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं जिससे एक संदेश जा रहा है कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश मनाता है। इस उपलक्ष्य में देश के विभिन्न कोनों से पैरामिलिट्री फोर्सेस की साइकिल रैलीज और पुलिस की मोटरसाइकिल रैलीज, ये देश के विभिन्न कोनों से शुरू हुई थी। मोटरसाइकिल रैली में जो पुलिस की रैली थी उनमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो कि उड़ी से शुरू हुई, तमिलनाडु पुलिस की
मोटरसाइकिल रैली जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई, गुजरात पुलिस की रैली जो कि लखपत से शुरू हुई, और एक रैली त्रिपुरा पुलिस की जो मोटरसाइकिल रैली थी वो यहाँ पर आने वाली थी। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की साइकिल रैलीज़ हैं उनमें से बीएसएफ की साइकिल रैली जो कि रैथानवाला राजस्थान से शुरू होकर यहाँ पर पहुँची है, इसके अलावा सीआईएसएफ की साइकिल रैली जो कि तमिलनाडु से शुरू होकर यहाँ पहुँची है, इसके अलावा सीआरपीएफ की रैली जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शुरू हुई थी वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आईटीबीपी की रैली जो कि लद्दाख से शुरू हुई थी उसका भी यहाँ पर केवड़िया में आगमन हो चुका है, और मुख्य उद्देश्य देश में एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से ये रैलियाँ शुरू हुई हैं और देश के विभिन्न भागों से होकर केवड़िया तक पहुँची हैं, तो इसमें लोग जहाँ जहाँ से ये रैलियाँ गुजरी हैं वहाँ से लोग इन रैलियों के साथ जुड़े हैं, तो इससे देश में एकता की भावना का संचार हुआ है, एकता की भावना प्रगाढ़ हुई है। नर्मदा पुलिस के द्वारा अभी तक यहाँ पर 7 जो रैलियाँ आई हैं उनका स्वागत किया जा चुका है, जम्मू कश्मीर पुलिस रैली अभी आनी यहाँ पर बाकी है और गुजरात पुलिस रैली यहाँ पर आनी बाकी है, उनका स्वागत शाम को किया जाएगा। जो 7 रैलियाँ आई हैं उनमें से 5 CAPF की साइकिल रैलीज और 2 पुलिस की मोटरसाइकिल रैलीज का भव्य स्वागत नर्मदा पुलिस की ओर से केवड़िया में आज किया गया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।